बाबा हनी और बेबी। राम रहीम से बच्चा चाहती थी हनीप्रीत, हनीप्रीत के बच्चे को सौंपनी थी तेरे की गद्दी। खुदा का बेबी को जन्म देने वाली थी हनीप्रीत। बाबा हनीप्रीत का बेबी प्लान। धर्म और अध्यात्म के नाम पर राम रहीम की करतूतें कितनी गिरी हुई और वाहियात थी, ये खुलासा उसी बात का एक और सबूत है। जब से राम रहीम के चेहरे से संत का नकाब उतरा है, उसे लेकर एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। किसी आध्यात्मिक डेरे की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा शख्स कितनी गिरी हुई हरकत कर सकता है, ये देखकर दुनिया हैरान है। लेकिन अब तो उसे लेकर जो दावा किया जा रहा है वो मानो हर किसी की सोच से परे है। राम रहीम और हनीप्रीत को लेकर ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा डेरे के एक पूर्व सेवादार ने किया है, और ये सनसनीखेज खुलासा है। राम रहीम अपनी हनीप्रीत से एक बच्चा चाहता था जिसे वो डेरे का प्रमुख बनाए। पूर्व सेवादार गुरदास सिंह तूर का आरोप है कि ये आइडिया खुद हनीप्रीत का था। वो नहीं चाहती थी कि राम रहीम के बाद डेरे का इतना बड़ा साम्राज्य उसके बेटे जसमीत सिंह इंसा को मिले। गुरदास सिंह तूर के मुताबिक राम रहीम के बाद डेरे में हनीप्रीत का दबदबा नंबर दो जैसा बन चुका था, इसलिए वो चाहती थी कि राम रहीम और उसका कोई बच्चा हो, वही डेरे का मुखिया बने। राम रहीम भी इसके लिए राजी था और चाहता था कि बच्चे के पिता का नाम दुनिया की नजरों में विश्वास गुप्ता ही रहे। लेकिन उसकी चाल भांप कर विश्वास ने पहले ही तलाक लेकर इसके अरमानों पर पानी फेर दिया। गुरमीत राम रहीम और इनकी वीडियो है जिस जगह पे ये दोनों कभी तो भाई बहन का रोल अदा करने लग जाते थे, कभी बाप बेटी का, ये सब दिखावा था दूसरी चीजों की तरह जो अक्सर गुरमीत राम रहीम बाकी रिश्तों का दिखावा देता है। गुरदास सिंह के मुताबिक हनीप्रीत और राम रहीम का प्लान था कि वो अपने बाद भी लोगों की भक्ति भावना से खेलते रहें। उन्होंने सोच रखा था कि उनका जो बेटा होगा वो उसे खुदा का बेबी कहकर भक्तों के बीच पेश करेंगे। इससे भक्तों के दिल में पहले से ही उसके प्रति सम्मान और आस्था रहेगी, जो आगे चलकर उसे डेरा प्रमुख बनाने में मदद करेगी। हनीप्रीत और राम रहीम के बीच अवैध संबंधों को भांपते हुए विश्वास गुप्ता ने पहले ही हनीप्रीत से तलाक ले लिया, जिससे बाबा और हनीप्रीत के बेबी प्लान पर पानी फिर गया। वीडियो है जो जिसके अंदर ये काफी कुछ अश्लील करता था, गुरमीत राम रहीम और हनीप्रीत बैठ के मजाक अश्लील होते थे, सो इन चीजों से कह सकते हैं कि ये इनका रिश्ता पाक पवित्र नहीं है। इन बातों का खुलासा हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता ने भी किया है। बाबा और मेरा कमरा साथ साथ था, तो नींद तो मुझे वैसे नहीं आती थी, बेचैन में रहता था। जैसे मैं बाहर आया, मैं पानी पीने के लिए बाहर आया, तो जब आदमी को क्रोस्टी भी है, बेचैन भी है, परेशान भी है, वो क्या करेगा। तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी वहाँ पे कि कुछ गड़बड़ है। तो मेरे बाबा के कमरे के साथ जैसे ऐसे हुआ, तो दरवाजा पता नहीं भगवान ने मेरी आँख पूरी 100% खोलनी थी, क्या था वो तो भगवान जाने, वो दरवाजा खुल गया। और दरवाजा खुला तो अंदर सारा सब कुछ चल रहा था, वो न्यूड थे, सेक्स कर रहे थे। 11 में हुआ तो बाबा ने भी देख लिया, उसने भी मुझे धमकी दे दी कि अगर तूने अपने जाके पेरेंट्स को या किसी को ये वाकया बताया तो ना तो तेरे खानदान को छोड़ेंगे और तुझे तो छोड़ना ही क्या है, देख ले तूने क्या करना है, ये तेरे पे ऑप्शन है। विश्वास गुप्ता ने भी बाबा राम रहीम और हनीप्रीत के संबंधों पर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। विश्वास गुप्ता के मुताबिक हनीप्रीत राम रहीम की गोद ली हुई बेटी नहीं है। विश्वास गुप्ता ने कहा कि उसने राम रहीम और हनीप्रीत को सेक्स संबंध बनाते हुए देखा है। गुप्ता ने कहा कि राम रहीम ने उसकी शादी हनीप्रीत से करवाई और उसी की वजह से दोनों के बीच तलाक हुआ। गुप्ता के मुताबिक हनीप्रीत ने उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस राम रहीम के कहने पर ही किया था। विश्वास गुप्ता का कहना है कि हनीप्रीत 24 घंटों में से 23 घंटे राम रहीम के साथ रहती